दोस्तों, बिग बॉस के घर में जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब 8 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, अब आपको बता दें कि इन 8ों कंटेस्टेंट ने अब अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर जो 8 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं उन कंटेस्टेंट ने अब अपने दो ग्रुप बना लिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर ग्रुप ए में जो कंटेस्टेंट हैं, उस ग्रुप से एक कंटेस्टेंट ने अब यहां से अलविदा कह दिया है। और आपको बता दें कि ग्रुप ए से अब कंटेस्टेंट एक निकल कर से दूसरे ग्रुप में जा चुका है। और आपको बता दें कि जिस कंटेस्टेंट ने यहाँ पर पूजा भट्ट यानी ग्रुप ए को छोड़ा है, उसके बारे में सुनकर यहाँ पर आप सब भी हैरान हो जाएंगे और आप सब ये कहने लगेंगे कि ये कंटेस्टेंट आखिर पूजा भट्ट को कैसे छोड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस कंटेस्टेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उस कंटेस्टेंट का नाम सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी ग्रुप के दो कंटेस्टेंट यानी अविनाश सचदेव और साथ जज हदी बात कर रहे हैं कि ये कितनी दल बदलू है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या पूजा भट्ट ने जद हदीदी वाले ग्रुप को छोड़ दिया है, या फिर बेबिका इस ग्रुप को छोड़कर चली गई है, या फिर जिया शंकर ने इनको धोखा दे दिया है, आखिर कौन है ये कंटेस्टेंट? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं जिया शंकर की। जी हां, आपको बता दें कि जिया शंकर ने अब अविनाश सचदेव, बेबिका, पूजा भट्ट और जद हदीदी के ग्रुप को छोड़ दिया है, और उस ग्रुप को छोड़कर वो सीधे अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान के पास चली गई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर जिया शंकर ने ये ग्रुप किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अविनाश सचदेव और जद हदीदी की वजह से छोड़ा है। दरअसल यहां पर आपको बता दें कि जैसे ही जिया शंकर की लड़ाई अविनाश सचदेव और साथ ही साथ जद हदीदी के साथ हुई, तो उसी वक्त इस जिया शंकर ने ये ग्रुप छोड़कर अभिषेक मल्हान में बदल लिया। और आपको बता दें कि अभिषेक मल्हान के ग्रुप में जैसे ही जिया शंकर एंटर हुई, तो वहां मनीषा जिया शंकर को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और OTT सीजन 2 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।